आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीडियो माइक्रोडायनामिक्स पे ऐसे बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स में रेंज डेटा टाइप्स मतलब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। जैसे कल हमने आपको बताया था कि हम लोग यूज करते हैं जैसे हमने सम सब दिया आर दिया और आप चाहते हैं हमने कल बताया था हमने कि डिम इंटीजर कैसे होता है आर जो इंटीजर हमने बता दिया लॉन्ग स्ट्रिंग वेरिएबल ये सारे डेटा टाइप्स आपको हमने समझा ठीक है सर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है। जस्ट कि मान लीजिए कि मेरा एरिया है A1 से लेके D6 तो हम लोग क्या करते हैं एक नाम दे देते हैं ना हमें पौना में जाते हैं डिफाइन नेम देते हैं हमें यहाँ पे डेटा करते हैं तो हमने डेटा कर दिया तो इसका बेनिफिट क्या हुआ। अब मुझे इस एरिया को चाहिए तो मुझे इस एरिया को C1 D1 टू D1 लिखने की जरूरत नहीं है बस डेटा लिख देंगे करेंगे एक सहूलियत हो गई ना हमें हमने एक शॉर्ट नेम डिफाइन सेम चीज यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे dim r as a r as a फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेट आर इक्वल टू शेप्स सागर जी सागर जी आज डेमो क्लास ज्वाइन की है तो यहाँ पे हमने सीट हमने बोला शीट वन डॉट रेंज हमने बोला A1 to D6 आपके जो एक्सेल सीट है अब इस एरिया का नाम जो हमने मैनुअली डिफाइन किया था डेटा डिफाइन नेम से उसी तरह से वीवी में हमने इस नाम को डिफाइन कर दिया आर। अब मुझे इसको अगर कुछ करना होगा तो हम क्या करेंगे देखिए सागर जी आप कुछ कहते ना कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्राम वीवीए का कोई सॉफ्टवेयर तो डालना पड़ता है वीवीए कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालना पड़ता है आपके पास डेवलपर टैब होता है अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में ऑप्शन पे जाए और यहाँ आपके पास होता है कस्टमाइज रिबन इस कस्टमाइज रिबन में आते हैं तो इस डेवलपर टैब दिखेगा इसको इनएक्टिव एक्टिव कर आ जाएगा डेवलपर टाइप में जब आएंगे तो आपका विजुअल वर्जन दिखेगा क्लिक कीजिए और आपका वीवीए कोड यहां से खुल जाएगा ठीक है सर। अगर जी समझ में आया आपको हाँ। तो आज हम इसमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम बता रहे हैं कि किसी एक्सेल के एरिया को सीट को फाइल को वर्कबुक को हम वीवीए में एक छोटा नाम एक शॉर्ट नेम कैसे देंगे। तो हमने यहां पे क्या किया मान लीजिए कि अगर वीवीए में हमारा A1 से D6 था अगर मुझे कहीं पे लिखना होता तो मुझे इतना लिखना होता ये दिख रहा आपको इतना लिखना होता आप मुझे आप जो मैंने इसको डिफाइन कर दिया आप मुझे जहां भी लिखना होगा हम सिर्फ आर वो करेंगे कि आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड कलर डल जाएगा बैकग्राउंड कलर कर देगा तो अब जहां भी करना होगा हम आर वो करेंगे। तो अब जैसे कि एक चीज और है कल आपने देखा था अमित जी कि हमने बोला था कि डिम मान लीजिए हमने बोल दिया एल एच लॉन्ग और हमने डेटा को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया एल इक्वल टू 20 तो हमने बोला था कि मैथमेटिक्स होता है जैसे मैथमेटिक्स में एक्स इक्वल टू 100 करते हैं और जहां जहां 100 चाहिए वहां पे हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं म्यूट हो गया था। तो
हमें आर इक्वल टू दिया, बट यहाँ पे हमने जो डिफाइन लिया उसमें हमने सेट किया। ध्यान रखिएगा, जो आपका डेटा टाइप है, मैं किसी तरह के नंबर्स वैल्यू को हम स्टोर करते हैं उस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्ट एक कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। लेकिन जहां पे वर्ड सेट जैसा वर्ड होता है, मतलब जहां पे रेंज होता है, जैसे कि वर्कबुक ऑब्जेक्ट, तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट किसी पे स्टोर नहीं होता है, वो असाइन होता है। जैसे कि आप लैंड खरीदते हैं तो लैंड सेल परचेज होती है, नहीं होती है, लैंड ट्रांसफर होती है। लैंड जहां वहीं पर आता है, आपने जमीन खरीदा तो जमीन आपका थोड़ी आप उठा कर ले जाएंगे, जमीन जहां है वही रहा, तो खरीद बेच आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट बनेगा तो वहां पे ट्रांसफर होगा। इसी तरह से यहां पे हम ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। ठीक है, कैसे हम रेंज देते हैं, ऐसे मुझे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क बुक, यहां पर सेट कर सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक, वर्क बुक। ऐसे में यहां कर सकते हैं डिम एस एज ए वर्कशीट्स, और सेट एस इक्वल टू शीट सीटुआ और ठीक है। अब इसके बाद एस के ऊपर से एस डॉट नेम करना है, यहां पे एस डॉट नेम आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज और देखिए, नेम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, प्रोटेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर s इक्वल टू वर्कशीट कर दिया, मतलब कि नया वर्कशीट, वर्कशीट करेंगे तब जाके वो देखेंगे s इक्वल टू, अब यहां पे देखिए एक्टिवेट आ गया, नेम आ गया। तो वर्कशीट और वर्कशीट्स में डिफरेंस है ये, वर्कशीट मतलब कि आपको नया वर्कशीट कोई ले रहा है, और वर्कशीट मतलब कि पुराने इसी वर्कशीट के ऊपर काम कर रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। सेम वर्कबुक एंड वर्क बुक्स में भी डिफरेंस होता है। एक तो वर्क हमने अपने वर्कबुक, ऐसे आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं, आप जैसे कि आगे चल के बताऊंगा ये चीजें, लेकिन समझा दे रहा हूं कि आगे करेंगे कैसे, कि जैसे पी एज ए पिवट टेबल, ऐसे dim c as a chart, ऐसे ही dim a as a table, table या table style जो भी है ये कर सकते हैं। हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कि आप अपने ऑब्जेक्ट जो भी आपका वर्कबुक है, सीट है, रेंज है, या कोई ऑब्जेक्ट चार्ट हो गया, पिवट हो गया, ऐसे हो गया, ये कर सकते हैं साइन। या दूसरा आपका आता है कि काम, जैसे आपने दे दिया कि सेट एस इक्वल टू शीट्स डॉट एड, अब मैं इसमें विथ कमांड लगाऊंगा कि विथ एस डॉट नेम इक्वल टू वैल्यू डॉट डॉट टैब कलर इक्वल टू ठीक है। समझ में आया, आवा
समझाया सर आपको, तो यहां पे एड करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप का इस्तेमाल इस तरह से होता है, लेकिन इसका यूज हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है अमित जी? हाँ जी। तो अगला टॉपिक आता है हमारा एरे डेटा टाइप। तो एरे डेटा टाइप को हम समझाएंगे, लेकिन आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए डेटा टाइप्स पे, क्योंकि जब तक वो डेटा टाइप पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे एरे डेटा टाइप समझ में नहीं आएगा। समझ गए सर? अच्छा, तो ये इस पर थोड़ा सा हमने सोचा, ये डीम एस एज वर्कशीट है और एक सेट है। देखिए क्या होता है, एक सिंपल बात समझिए, आपने यहाँ पे डीम आर एज ए लॉन्ग किया, क्या है ना? हाँ, हाँ। और फिर हमने एल के ऊपर वैल्यू असाइन करने के लिए क्या किया, सी लिख दिया एल इक्वल टू 20। हाँ। ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए आर एज ए रेंज डिफाइन किया, तो आर एज ए रेंज हमने मान लिया, जैसे आपने हमने मैथमेटिक में एस एक हम मान लेते हैं कि अजूम एक्स इक्वल टू सेल्स, तो सेल्स कितनी हुई है 100, तो 100 कहाँ जाएगी, एक्स के ऊपर जाएगी, तो हमें एक्स इक्वल टू 100 करना पड़ेगा ना। सेम उसी तरह से हमने यहाँ माना कि डीम आर एज ए रेंज, हमने बोला कि आर की जो जाति है प्रजाति है वो एक सेल है। अब कौन सी सेल है भाई, या सेल्स है या ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो कौन सा सेल्स है कौन सा ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो हमने बोला कि भाई सीट वन के अंदर रेंज ए वन से डी सिक्स है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि आर अगर हम सेट कर दें तो आर नहीं लेगा, क्योंकि आर इक्वल टू ने क्या बोला कि ये असाइन नहीं होता, स्टोर होगा फिर। अब आर कहता है भाई मैं तो सेल्स हूं, मैं क्यों स्टोर करूं किसी रेंज को, मैं तो असाइन करूंगा ना, तो इसलिए वो सेट। तो सेट डालने से सिस्टम को समझ में आता है कि एक तरह का ऑब्जेक्ट टाइप है, हमें बस नाम को ट्रांसफर करना है। अगर डी आर एज रेंज लिखते हो सेट लिखना पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट होगा तो सेट लिखना पड़ेगा, जहां भी ऑब्जेक्ट होगा वहां सेट लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? हाँ। और तो नहीं इसमें नहीं। ये आपने लिखा ना डी की एज प्योर टेबल, तो इसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा सेट। हाँ, सेट हर जगह सेट लिखना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, कल की क्लास में हम आपको बताएंगे एरे, लेकिन एरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि समझ में आज नहीं आया। और कल से 11:40 पे क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 12:30 बजे नेक्स्ट क्लास होती है सर। अच्छा, ठीक है, तो कल से हम मिलते हैं 10:40 पे, सॉरी 11:40 पे, और हम बात करेंगे एरे फॉर्मूला के ऊपर। लेकिन सर प्रैक्टिस जरूरी है ना, आगे आज ज्यादा नहीं पढ़ाया इसी कारण से नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। टेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, हम इसको आगे यूज करेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के फिर बोलेंगे सर रेंज क्या है, रेंज समझाइए, अब मैं आपको फिर रेंज समझाने चलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। ओके, मिलते हैं कल। ओके, चलिए।